Hello everyone, welcome to eMentors. I am your mentor Prisha and today I am going to present the part 3 of essay writing series. Today our topic will be right to privacy. Right to privacy, जिसे हिंदी में निजता का अधिकार कहते हैं, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. So let's move on to our first slide. What is privacy? Right to privacy को समझने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं privacy यानी निजता क्या है. Privacy is a human right enjoyed by every human being by virtue of his or her existence. Privacy एक human right, एक मानव अधिकार है जो हर एक मनुष्य को उसके अस्तित्व के द्वारा उसे प्रदान किया गया है. Nobody has right to interfere in your personal space. It is purely a human right and it has been given to every human being by virtue of his or her existence. Privacy is not a very narrow term. Privacy is a very wide term. Privacy extends to bodily integrity, personal autonomy, freedom of speech and freedom to dissent or move or think. Privacy extends to bodily integrity. Bodily integrity का मतलब ये है कि हमारे शरीर पे हमारा पूरा अधिकार है. Nobody has the right to harm our body, not even touch it without our consent. Personal autonomy, हमें अपने decisions लेने का पूरा अधिकार है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें अपने ओपिनियंस व्यक्त करने का, अपनी आवाज़ उठाने का किसी भी मुद्दे पे पूरा अधिकार है. एंड फ्रीडम टू डिसेंट और मूव अ थिंग, अगर हम किसी बात से असहमत हैं तो हमें अपनी असहमति प्रकट करने का पूरा अधिकार है. फ्रीडम टू मूव अ थिंग, हमें मूव करने का या सोचने का पूरा अधिकार है. जब हमें यह अधिकार पहले से ही है तो फिर राइट टू प्रिवेसी की बात कहाँ से आती है. द राइट टू प्रिवेसी इज टू रिस्ट्रेन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एक्शंस दैट थ्रेटन द प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स. निजता का अधिकार क्या है? अगर हमारी किसी भी तरीके की प्रिवेसी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है तो हमें उसे रोकने का पूरा अधिकार है. लेट्स टॉक मोर अबाउट राइट टू प्रिवेसी. अब ये राइट टू प्रिवेसी की बात कहाँ से आई? अभी तक तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाता, तो ये प्रिवेसी की बात कहाँ से शुरू हुई? व्हाट वाज द ट्रिगर? आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसे आधार स्कीम कहा गया. ये आधार स्कीम नंदन निलेकनी की ब्रेन चाइल्ड थी. दैट कलेक्ट्स पर्सनल डिटेल्स एंड बायोमेट्रिक्स टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज फॉर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स. इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे मकसद ये था कि इससे सिटीजन्स की पर्सनल डिटेल्स और बायोमेट्रिक कलेक्ट करके गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए जा सके और जो गवर्नमेंट स्कीम है वो हर सिटीजन तक पहुंचाई जा सके. ये जो डेटा था वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सब्सक्रिप्शन टू वेरियस सर्विसेज एंड ऑथेंटिकेशन एट द पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी. ये डेटा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपने देखा होगा, LPG सब्सिडी आजकल हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, और भी ऐसे कई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के एग्जांपल हैं. सब्सक्रिप्शन टू वेरियस सर्विसेज, हमें कई सारी सर्विसेज का लाभ इससे मिला. और ऑथेंटिकेशन एट द पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, और ये सही इंसान तक पहुँचे इसका भी ख्याल रखा गया. अ बंच ऑफ पिटिशंस वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट टर्मिंग आधार अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. गवर्नमेंट का मोटिव जो था इस स्कीम को स्टार्ट करने का वो ये था, पर ऐसी कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई जिसने कहा कि आधार क्या है? ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, निजता का हनन हो रहा है हमारा इस आधार स्कीम के द्वारा, क्योंकि हम इसमें अपना पर्सनल डेटा गवर्नमेंट या प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हैं, तो ये मिसयूज भी इसका हो सकता है, इसकी भी संभावना है. तो जो पिटीशंस दायर करी गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि जो डेटा हमसे लिया जा रहा है उस डेटा का मिसयूज नहीं होगा. जो नंदन निलेकनी आधार स्कीम लेके आए थे, जो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी कहा कि वी नीड अ लार्जर प्राइवेसी बिल नॉट जस्ट फॉर आधार बट ऑल्सो फॉर मैनी अदर थिंग्स लाइक प्राइवेसी इन टेलीफोन टैपिंग एंड अदर ऑनलाइन सिस्टम. उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में, आज जो डिजिटल युग है, उसमें आधार के ही लिए ही नहीं प्राइवेसी बिल की ज़रूरत है, बल्कि फ़ोन टैपिंग और अदर ऑनलाइन सिस्टम में भी हमें प्राइवेसी बिल की ज़रूरत है. अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड. द 9 बेंच यूनानिमसली हेल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम्स गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो ये राइट टू प्राइवेसी है
ये आर्टिकल 21 के अंडर में हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रदान है कोई भी इस राइट टू प्रिवेसी का, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट प्लेयर हो, हमसे ये लिबर्टी नहीं छीन सकता। पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के अंदर इसे डिफाइन किया गया, राइट टू प्रिवेसी इज नाउ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब राइट टू प्रिवेसी भी एक मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के अंडर। व्हाट आर द कंसर्न? सुप्रीम कोर्ट को इसे एक फंडामेंटल राइट घोषित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों आज प्रिवेसी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है? इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग अ डिजिटल इकोनॉमी। प्रॉब्लम्स ऑफ आईडी थेफ्ट, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन आर रियल कंसर्न। इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी बनता जा रहा है। आज हमारे सारे काम डिजिटली होते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन से लेकर के हर तरीके की ऑनलाइन पेमेंट सब डिजिटली हो रही है। तो आईडी थेफ्ट, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हम उसका भी मिसयूज हो सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है। ये भी आज के टाइम में बहुत बड़े कंसर्न्स हैं। इन रिसेंट टाइम्स सेवरल स्कीम्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू आईटी प्लेटफॉर्म्स यूजिंग कंप्यूटराइज्ड डेटा कलेक्टेड सिटीजंस। सच इंफॉर्मेशन इज वल्नरेबल टू थेफ्ट एंड मिसयूज। आज के टाइम में कई स्कीम्स जो हैं वो आईटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही हैं, जिसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है सिटीजन से। आपने देखा होगा मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और ऐसे कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो अब डिजिटली लॉन्च की जा रही हैं, जिसके लिए हमसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब ये जो डेटा है, इसकी क्या गारंटी है कि ये डेटा चोरी नहीं हो सकता या फिर इसका मिसयूज नहीं हो सकता? क्योंकि एट लास्ट ये सिटीजन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है और हमको इस बात की श्योरिटी चाहिए कि हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड है, सेफ है। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो इंडिया में अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं। एनी सिस्टम ऑफ डेटा कलेक्शन शुड फैक्टर इन प्रिवेसी रिस्क एंड इंक्लूड प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स इंफॉर्मेशन। जो डेटा कलेक्शन हो रहा है उसके साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। डेटा कलेक्शन करते वक्त हमारी प्रिवेसी का खास ध्यान रखा जाए और ऐसे प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट किए जाएं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेफ़ रहे। आपने देखा होगा कि कई बार जो बैंक फ्रॉड्स हो जाते हैं, आपने सुना होगा कि एटीएम पिन या ओटीपी पूछ के वो आपका जो पैसा है बैंक में, वो कई ऐसे साइबर फ्रॉड वाले हैं जो आपके बैंक अकाउंट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और भी ऐसी कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका डेटा मिसयूज़ किया जा सकता है और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? द गवर्नमेंट्स मोस्ट बेसिक ऑब्लिगेशन इज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, एड्रेस कंसर्न्स अबाउट डेटा सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज इंटरसेप्शन सर्विलांस एंड यूज़ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफायर्स एंड बॉडीली प्रिवेसी। द डेटा कंट्रोलर शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड यूज टू विच डेटा आर पुट। देयर नीड्स टू बी एन एक्टिव यूजर एजुकेशन दैट मेक्स देम अवेयर ऑफ देयर चॉइसेस। गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्लिगेशन है वो है सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि वो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लीक ना हो सके, उसका मिसयूज ना हो सके और वो वल्नरेबल ना हो थेफ्ट, और ना ही वो गलत जगह यूज़ की जा सके। एड्रेस कंसर्न्स अबाउट डेटा सेफ्टी, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन सर्विलांस, यूज़ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफायर्स एंड बॉडीली प्रिवेसी। जो डेटा कंट्रोलर है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का मिसयूज हमारे डेटा के साथ हो रहा है तो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। देयर नीड्स टू बी एक्टिव यूजर एजुकेशन दैट मेक्स देम अवेयर ऑफ देयर चॉइसेस। जो सिटीजन्स हैं या फिर जो यूजर है उसको भी पता होना चाहिए कहाँ पे अपना डेटा देना चाहिए, कहाँ पे नहीं। देयर शुड बी एक्टिव यूजर एजुकेशन। गवर्नमेंट शुड एडुकेट पीपल अबाउट द डिजिटल कलेक्शन ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। वॉट इज द वे फॉरवर्ड? वॉट शुड बी डन इन दैट डायरेक्शन? नाउ बैलेंस मस्ट बी मेंटेन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह के कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपका डेटा लेना ज़रूरी है, ये कह के सिर्फ हमसे हमारा डेटा नहीं ले सकती, पर्सनल डेटा नहीं कलेक्ट कर सकती। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर आर प्राइवेसी वाइल कलेक्टिंग डेटा। स्टेट मस्ट पुट अ रोबस्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन प्लेस इन दिस डिजिटल एरा। देयर शुड बी अ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कौन सा
प्रोसीजर ईजाद करके सिटीजन्स के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस डिजिटल युग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन एंड द ऑप्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर ग्रॉस वायलेशन। गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे कि इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल हो सके, और अगर कोई हमारे डेटा के साथ ग्रॉस मिसयूज करता है तो उसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो, मतलब अंडर द लॉ भी उसे सजा मिले। द राइट टू प्रिवेसी शेल नॉट ओनली बी लिमिटेड अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो राइट अगेंस्ट द प्राइवेट कॉरपोरेशन विच कलेक्ट सिटीजन डेटा। ये जो राइट टू प्रिवेसी है ये सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी हमारा डेटा ले रहा है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए कि हमारा डेटा वो सेफ रखेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। इट वुड नॉट बी वल्नरेबल टू थेफ्ट एंड मिसयूज। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू ई माइंडर्स चैनल, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।